हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिराज बाठिया है और आप देख रहे हो बाठिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है ऑडियो को किस तरीके से आप पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट कर सकते हो। तो प्रोडक्शन के वक्त आपने क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी। और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में मतलब ये आपका वीडियो बनने के बाद उसको एडिटिंग में आप नॉइस रिडक्शन किस तरीके से कर सकते हो और बाकी सब चीजें आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो ये देखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्शन के वक्त आप किस तरीके से नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सवाल है और काफी लोगों ने मुझे पूछा है। तो आज मैं ये राज भी आपके सामने खोल देता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई साउंड रिकॉर्ड कम वॉल्यूम में हो जाता है तो उसका वॉल्यूम आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, या फिर कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम में रिकॉर्ड हो जाता है तो उसका वॉल्यूम किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हो पोस्ट प्रोडक्शन में। उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्लिप इक्विलाइजर किस तरीके से यूज कर सकते हो और आपकी आवाज को और ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हो। नॉइज रिडक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, और फाइनली हम लोग बात करेंगे डी हमिंग के बारे में। तो इस तरीके से आज का सेशन रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्शन के वक्त आप किस तरीके से नॉइस को कम कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, OBS में आप नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो, मतलब ही गेट्स लगा सकते हो और नॉइस सप्रेशन कर सकते हो। इसकी सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। तो OBS वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो प्लीज आई वाला जो सिंबल है उसमें मैंने वो लिंक आपको दे दी है, तो आप प्लीज वो देख लीजिए। उसके बाद काफी लोग हॉल्स में रिकॉर्ड करते हैं या एक बंद कमरे में रिकॉर्ड करते हैं। अब इससे क्या होता है, इको जनरेट होता है, रिवर्ब जनरेट होता है। तो ये मुझे भी पहले पता नहीं था। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखोगे तो उसमें काफी सारा रिवर्ब है और वॉइस काफी नॉइसी है। तो मेरा एक फ्रेंड है अंकराज, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं मेरे जो रूम है जहां पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वहां पर कंबल रख लूं या फिर पर्दे जो है पर्दे लगा लूं। तो उससे क्या होगा कि ये जो इको जनरेट होता है या जो हमिंग साउंड क्रिएट होता है या फिर जो ये रिवर्ब आता है ये नहीं होगा। तो ये कुछ छोटी मोटी टिप्स है, तो इसके वजह से होता है। और फाइनली एक प्रोफेशनल माइक भी आपने यूज करना चाहिए सो दैट ये सारे नॉइसेस वहां पर भी कैंसल आउट हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में हम किस तरीके से नॉइस को एडिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले आपके सबसे क्रूशियल सवाल का जवाब दे देता हूँ कि सर माइक कौन सा यूज करना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग टाइप के माइक्स आते हैं, बट मैंने जो देखा है वो बोया का काफ़ी अच्छा है। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो बोया का माइक आप ले सकते हो। उसकी साउंड कैंसलेशन पावर काफ़ी अच्छी है और काफ़ी रिजनेबल है, और अभी तो 1000 रुपये के अंदर आ गया है। एक्चुअल में उसकी कॉस्ट 2000 के तकरीबन होती है। तो चलिए अब एक्चुअल में शुरू करते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया था कि वॉइस एडिटिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले एक ऑडियो क्लिप मैं इंसर्ट कर लेता हूं कंट्रोल आई करके। तो दोस्तों, ये मेरी ऑडियो फाइल मैंने आ गई है यहां पर। अब ये मैंने ऑडियो फाइल कन्वर्ट कर ली है मेरे पहले के वीडियो की ही, तो आपको फैमिलियर भी लगेगी वो। तो चलिए इसको इंसर्ट कर लेते हैं हम टाइमलाइन में। इंसर्ट सेलेक्टेड क्लिप टू टाइमलाइन क्रिएट। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी टाइमलाइन पे ऑडियो फाइल आ गई है, ये पूरे वेव फॉर्म में दिख रही है। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में ओरिजिनल साउंड क्वालिटी क्या आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश बाठिया और आप देख रहे हो बाठिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पीपीटी में स्लाइड मास्टर का यूज कैसा करें। अब स्लाइड मास्टर पता होने अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे इस ऑडियो को तो पीछे पंखे का आवाज आ रहा है। तो पंखे का आवाज भी हम कैंसिल करेंगे इसमें और इसको और अच्छा भी बनाएंगे। तो आप याद रखिएगा इसका आवाज ओरिजिनली अभी कैसा है। तो सबसे पहला टास्क है कि अगर आपके ऑडियो का, अभी मेरे ऑडियो फाइल का जो वॉइस है वो काफी अच्छा है, मतलब वो क्लियरिटी अच्छी है। मगर कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑडियो जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका डिफॉल्ट वॉइस जो रिकॉर्ड होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, और इसके वजह से उसका जो आउटपुट फाइल होता है उसका भी वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, तो सुनने में बड़ी दिक्कत जाती है और इसके वजह से हमें व्यूज नहीं मिलते। तो देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है और उसके ऊपर जैसा ही मैं कर्सर लाता हूँ एक दो एंडेड एरो बन गया है। अब देखिए, मैं यहाँ से ऊपर इसको ले सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे डेसिबल्स में वॉल्यूम दिखा रहा है वो,
तो अभी 6.98 डेसिबल्स भी हो सकता है, या मान लीजिए मुझे कम करना है तो ये कम भी हो सकता है -24.42 पे। मेरे लिए अभी +5.23 सही है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया है ये, देखिए प्ले करता हूँ इसको। ज़रूरत क्या है तो स्लाइड मास्टर, तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो गया, तो थोड़ा सा कम करेंगे। अभी देखिए बैकग्राउंड वॉइस काफ़ी क्लियरली सुनाई देगा। उसका फायदा ये होता है कि आप एक तो अब इस तरीके से तो आप कर ही सकते हो, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो ऑडियो फाइल है उसका वॉल्यूम आप कैसा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो इसी पेज पे देखिए ऊपर में यहाँ पर इंस्पेक्टर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये इंस्पेक्टर आपको खुल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला ही आइटम देखिए कि क्लिप वॉल्यूम, तो क्लिप वॉल्यूम आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर है कि क्लिप का वॉल्यूम आप किस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर इसी में नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लिप इक्वलाइजर करके, तो यहाँ पर आप क्लिप को इक्वलाइज कर सकते हो, मतलब ही कोई फ्रीक्वेंसी अगर आपको उसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ाना है या कम करना है तो वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए -20 to +20 ये जो दिया हुआ है यहाँ पर वाई एक्सिस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम है, ये डेसिबल्स में होता है। और उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस पे है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी है जिसको आपको जीरो करना है तो वहाँ यहाँ पर आप उससे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिप इक्वलाइजर ओपन कर लेता हूँ, मतलब इसको ऑन कर लेता हूँ। अब ऑन करने के बाद क्लिप इक्वलाइजर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप ऑडियो को प्ले करते हुए भी यहाँ पर चेंजेस करते हो और रियल टाइम आपको इफेक्ट्स दिखेंगे। तो चलिए थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। कस्टमाइज कर सकते हो आपके कंपनी के लोगो अनुसार आपके पूरे लेआउट्स पीपीटी के। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जो भी करेक्शन करोगे कभी भी तो वो आपके पूरे के पूरे पीपीटी में अप्लाई हो जाएंगे, मतलब ही यूनिवर्सल करेक्शन वाला ऑप्शन आ जाता है, आपको अवेलेबल हो जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी पीपीटी सबसे प्रोफेशनल और हटके दिखेगी, क्योंकि आप ओरिजिनल जो डिफॉल्ट लेआउट्स आते हैं पीपीटी में वो यूज नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप यूज कर रहे हो वो लेआउट्स जो आप देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया कि मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो ये सब चेंज होगा। तो मेरे हिसाब से ये जनरली मैं ये वाली सेटिंग यूज़ करता हूँ जहाँ पर 10 डेसिबल के ऊपर ये 3 वाले पॉइंट को मैं रख देता हूँ, मतलब बैंड 3 को, क्योंकि इससे मेरी आवाज़ ऐसी लगती है कि प्रोफेशनल माइक में रिकॉर्ड हुई है। तो भले ही वो प्रोफेशनल माइक नहीं है मेरा, बट जो भी माइक है वो बोया का, तो वो बोया के माइक पर कभी कभी कुछ कुछ ऐसे साउंड्स आ जाते हैं या फिर इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है कि वो प्रोफेशनल नहीं लगता, तो ऐसा करने से प्रोफेशनल लग जाता है। तो आप यहाँ पर आपके तरीके से सेटिंग करके जिस तरीके से आप पसंद करोगे वैसा उसको फाइनल कर लो। तो अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि हम नॉइस को रिड्यूस कैसा करेंगे। तो यहाँ पर फेयरलाइट करके ऑप्शन दिखेगा आपको एकदम नीचे, तो फेयरलाइट वाले टैब को आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फेयरलाइट ओपन हो गया है, वीडियो के स्टार्ट में हम चले गए हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देख सकते हो तो ये फेयरलाइट इफेक्ट्स दिया हुआ है, मतलब ये सारे के सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं जो ऑलरेडी डिफॉल्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग दो इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, एक तो नॉइस रिडक्शन और दूसरी बात डी हमिंग की। अब बहुत से टाइम क्या होता है जब हम माइक पे रिकॉर्ड करते हैं और वॉल्यूम हमारा काफ़ी ऊपर हो जाता है क्योंकि हम पढ़ाना चाहते हैं, हम यूट्यूबर्स हैं, हम कुछ तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कभी कभी वॉल्यूम हमारी बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो माइक में हमिंग साउंड क्रिएट हो जाता है, वो रिकॉर्डिंग में हमिंग साउंड क्रिएट हो जाता है, तो उसको डी हमिंग करके वो जो हायर पिच की जो वॉइस है उसको हम स्मूथ कर देंगे। तो सबसे पहले नॉइस रिडक्शन देखते हैं, तो नॉइस रिडक्शन मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पर छोड़ देता हूँ, पिक एंड ड्रॉप करना है उस ऑप्शन का। तो जैसा ही नॉइस रिडक्शन मैं यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप करता हूँ, देखिए ये ओपन हो गया है और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल दिख रहा है। अब यहाँ पर ये नॉइस रिडक्शन ऑन है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ ऑडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो भाटिया स्टडी एंड कंसल्टेंसी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पीपीटी में स्लाइड मास्टर का यूज कैसा करें। अब स्लाइड मास्टर देखो ऑफ करने के बाद फर्क देख पता होने की जरूरत क्या है, तो स्लाइड मास्टर आपको हेल्प करता है आपकी जो टेम्पलेट्स है। तो देखिए ऑन करने के बाद काफी ज्यादा नॉइस रिडक्शन होता है, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर ऑटो स्पीच मोड, चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं इसमें फायदा होता है या नुकसान। देखिए मैंने ये कर दिया पीपीटी की उसको कस्टमाइज करने के लिए। उसका फायदा ये होता है
कि आप एक तो कस्टमाइज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इससे और भी इफेक्टिव अच्छी आवाज आ रही है। अब यहां पर अगर मैं राइट साइड में ऊपर एक बटन है लिसन टू नॉइस ओनली, इसको क्लिक करता हूं और प्ले। अब देखिए क्लियरली आपको जो निकाल दिया हुआ नॉइस है मेरे पंखे का वो आपको सुनाई दे रहा है, और बैकग्राउंड में अगर कोई कुत्ता भौंक के या फिर ऐसा कोई एकदम छोटा सा आवाज दूर से आ रहा है तो वो भी यहाँ पे नॉइस रिडक्शन में आपको सुनाई देगा। और अगर मैं मैनुअल में नॉइस रिडक्शन सुनता हूं तो उसका वॉल्यूम उसका जो नॉइस रिडक्शन होता है वो ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर ऑटो स्पीच मोड वाला सेलेक्ट करके लिसन टू नॉइस ओनली को कैंसिल करते हुए ये बंद कर दूंगा। अब मेरी ये सेटिंग कंप्लीट हो गई। अभी इसमें काफी कुछ कर सकते हो आप, मगर ये बिगनर्स ट्यूटोरियल है तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ बेसिक वाला बता रहा हूं सब कुछ। तो यहां पे इस तरीके से नॉइस रिडक्शन आप कर सकते हो। अब डी हमिंग देख लेते हैं। तो डी हमिंग को भी हमने क्या किया, पिक किया और यहां पर ड्रॉप कर दिया। अब देखिए यहां पर पिक एंड ड्रॉप में यहां पर कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है उसने ये ड्रॉप कर दी है, मतलब वो डी हमिंग की है उसने। अब अगर मैं यहां पर इसको सिर्फ लिसन टू हम ओनली करूंगा तो यहां पर हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयांश बाठिया और आप देख रहे हो बाठिया स्टेडियम। हाई पिच जो है मेरी अचानक से पिच तो वो कम हो जाएगी, तो इससे भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अभी इसको बंद करके प्ले करता हूं। इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पीपीटी में स्लाइड मास्टर का यूज कैसा करें। अब स्लाइड मास्टर पता होने की जरूरत क्या है, तो स्लाइड मास्टर आपको हेल्प करता है। अब इसको ऑन करके देखते हैं। आपकी जो टेम्पलेट्स है पीपीटी की उसको कस्टमाइज करने के लिए, उसका फायदा ये होता है कि आप एक देखिए दोस्तों आवाज और स्मूथ हो गई है। कुल मिलाकर के ये डी हमिंग की सेटिंग भी हमने देख ली है। तो आज के सेशन में हम लोग तीन चीजें ही देखने वाले थे, तो तीनों चीजें हमने देख ली है। अब वापिस से मैं जाता हूं एडिट में। अब ये आपका क्लिप इक्विलाइजर, उसके बाद वॉल्यूम का सेटिंग जो किया है आपने क्लिप वॉल्यूम का, उसके बाद डी हमिंग और नॉइस रिडक्शन, ये सब कुछ करने के बाद वाला ये आपका फाइनल क्लिप बन रहा है। इंपॉर्टेंट चीज जो कि है पीपीटी में स्लाइड मास्टर का यूज कैसा करें। अब स्लाइड मास्टर पता होने की जरूरत क्या है, देखिए तो इसमें बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रहा है। अब मैं अपने वाली ओरिजिनल क्लिप प्ले करके बताता हूं आपको। लेआउट्स आते हैं पीपीटी में वो यूज नहीं कर रहे हो, इनफैक्ट आप यूज कर रहे हो वो। तो देखिए दोस्तों कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है यहां पर। आप अच्छे माइक तो यूज कीजिए ही, उसके बाद मैंने पहले आपको जो सेटिंग्स बताई है किस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करना है वो बात तो इंपॉर्टेंट है ही, बट जैसा भी है वैसा आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में काफी उसको एडिट कर सकते हो और प्रोफेशनल बनाने के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया और काफी फायदेमंद भी रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस समय पर मिल जाया करेंगे। थैंक यू।